का पहला वोट आउट। अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है ना, तो आपके कदम लड़खड़ाते हैं, और हम सभी नॉन इम्यून लोग के कदम लड़खड़ा रहे थे कि आज रात को क्या होने वाला है, कौन रोड़ी घर जाने वाला है। दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि वो उनका टारगेट आज हम तीनों हैं, विच मीन्स अपूर्वा, प्रतिभा और मैं, एंड मैं बहुत नर्वस हूँ एंड आई होप यू गाइस डोंट वोट मी आउट। इम्यूनिटी तो आज है नहीं, तो घर तो जाना नहीं है, तो अपने सर्वाइवल के लिए मैंने सबको पिच किया, बट आगे जाके क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। उनका अगर चांस मिला तो वो देखेंगे नहीं आगे पीछे, समझ रहे? तो अभी पता नहीं क्या होने वाला आगे जाके, चार इम्यूनिटी सिर्फ, बाकी सारी सिर्फ चार इम्यूनिटी इन लोगों को मिल एग्जैक्टली। एडवांटेज पूरा गेम चेंज कर सकता है। आई होप कि ये एडवांटेज हमारे फेवर में हो। हमारे हाथ में मेजॉरिटी थी और वो सिर्फ 5 थे उस टाइम पे, हमें तभी भी होप थी कि हाँ हम कुछ ना कुछ बाजी मार जाएंगे। आज के टारगेट मैं ये और ये, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि दो मेरे दो दोस्त सेफ थे, बट आई वॉज स्टिल अनसेफ एंड आज कुछ भी हो सकता था, तो आई जस्ट हैड टू डू एनीथिंग एंड नॉट गो होम। इसी के साथ साथ सब रेडी हुए और फुल ग्लैमरस दिखते हुए सब चले गए वोट आउट के लिए। आज आपको एक मौका मिलेगा टू सिलेक्ट द सेकंड टीम मेंबर। आपकी टीम में ऑलरेडी माइकल है, अब जो आपकी चॉइस है दैट विल हैव टू बी अ गर्ल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई ब्लाइंडली मैम आपको ट्रस्ट करके कॉन्फिडेंस दिखा के कल के टास्क मैंने बहुत अच्छे परफॉर्म किया है, आप मेरे को ट्रस्ट कर सकते हो एंड आई वॉन्ट टू गो अहेड विद यू। मैं स्ट्रांग हूँ, परफॉर्म करता हूँ एंड प्रिंसेस ऑफ माइंड भी मेरा काफ़ी अच्छा है, तो मैम मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे आज सेव करें क्योंकि आज मैं सही में डेंजर में हूँ। वाओ प्रखर, रियली नाइसली, आई लव द पिच। व्हाट डिड यू से? क्या आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया? आई थिंक अमन वॉज द फास्टेस्ट वन हु हॉप्ड। You said Aman मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Wait, second. तू ये कहना चाहता है? देख, हमारे पास अमन को चॉइस तो था नहीं। तू ये कहना चाहता है कि तू परफॉर्म करके ज़्यादा कर लेता तेज़? मैंने कहा, let me complete ना तरन, don't कोई चॉइस नहीं था बाबा। अमन का नाम मत ले, अमन का नाम मत ले। या या, please complete. So I want to just say, इन्होंने बोला कि कल ये बहुत strong परफॉर्म किया। अगर तू चाहता तू चाहता है ना कि नेहा मैम की टीम में लोग आके परफॉर्म करें, नाउ दैट ही वांट्स टू कम एंड परफॉर्म, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एग्री, बट ही सेड कि नाउ यू स्टॉप डार्लिंग, यू गुड विद इट? नो, नॉट येट, यू गुड विद इट? लेट हिम गो, पिच कर रहा है, पिच कर रहा है, वो पिच कर रहा है, व्हाई पिच? मैम यू सी हु इज गोइंग होम टुडे? उसने क्या गलत बोला कि अगर उसने परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पिच ही तो कर रहा है, मैं पिच करने दे यार, पक्का हो जाएगा, अभी पिच करने दे ना, कोई बात नहीं, कर ली ना। Okay, anybody else who wants to pitch to Neha ma'am? Karo fir na, kiska wait kar rahe ho? Ma'am, main aapko pitch karna chahunga ki maine kal bahut acha perform kiya. Aur main chahunga ki aap mujhe immune karo kyunki main aaj ek major target hu yahan sabka. Sabke samne kehne ke liye taiyar hu. Hum sirf 5 log akele khade hain ek darzan roadies ke. Ek 12 roadies ke hum sirf 5 log khade hain. Kaun? 12 mar bol, 12 kahan se speak? Hamid and Michael. Ye 5 ek saath hain aur jo bach gaye wo sab ek saath hain. और अभी भी ये पांचों मिलके मुंह शट कर रहे हैं ना सबका। आई वाज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था प्रखर के साथ, नहीं नहीं, सब ऐसे गैंग अप होके एक इंसान को टारगेट कर रही हो। मैंने तो अभी ये भी नोटिस किया, निशा भी मेरा मुंह बंद कर रही थी। आप टारगेट कहां से हो गए? आपके तो बहुत दोस्त हैं यहां पे, आपने मुझसे सीधा बोला है। प्रखर मेरे बहुत दोस्त हैं यहां पे एंड मैं यहां पे आज ऐसी स्टेट पे हूं जहां पे इम्यून खड़ा रहूंगा मैं। मैंने ये सब कुछ भी नहीं बोला है, संजय 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 झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। आपके घर में, मेरे घर पे सच्चाई की मूर्ति यही है भाई, वो कैमरे पे नहीं है तो मतलब ये नो,
One second now. Hamid, if you guys remember, जब हम सब एक रूम में बैठे थे प्रतिभा, when the other day this guy came, इन लोग मैं जब बोल रहा था और ये लोग मजाक उड़ा रहे थे सबका एक दूसरे का, तो इन लोगों ने मुझे क्या बोला कि हम तुम्हें कैमरे में दिखाएंगे, तो मैं वही सेम लाइन बोला। तूने बोला था, किसने बोला था? तारण ने बोला था। वाह, नहीं बेटा झूठ ना बोल, बोला देखो खुद बोला था तूने कि कैमरे में दिखाऊंगा क्योंकि तेरे बस की नहीं है। तुम लोग बोलोगे तो मार जाएगा ना रोड पे, तो बोल रहे हो कि कैमरे में दिखाऊंगा क्योंकि वहां कैमरा नहीं आएगा। बातें शोभा नहीं आती कि वो झूठ नहीं बोलता, अपने ऊपर देख ले पहले। चल चल यार, तू कर सकता मेरी बात कि मैं कैमरे में बात करूंगा, तो मैंने तुम्हें यही तूने बोला कि मैं कैमरे में बात करूंगा। मैंने भी वही बोला कि तू ये कहता है कि मैं कैमरे में बात करूंगा। बोल लो यार, तुम्हें जितना झूठ बोलना कर दो, लिख दो मेरा नाम वहां जाके। परेशान करके रख दिया है, हैरानी वास नहीं ले। कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा तेरा नाम संजय, यू आर इम्यून, कम टू दिस साइड। नेहा, what's the reason? बहुत obvious है रन कि clearly he was a target, everybody was attacking him, and I feel like I have a sense of attachment also with him, so that's why. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Neha, you're also very close to Pratibha. क्या हुआ? ठीक है, वो सर्वाइव कर जाएगी प्रतिभा, उसके बहुत दोस्त हैं यहाँ पे, शी बी फाइन। यू आर कॉन्फिडेंट ना? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे क्यों बता रही हो? सर एक्चुअली मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने दे दिया उसे, संजय इज माय बेस्ट फ्रेंड, आपने दिया वो इम्यून हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट क्योंकि जो कल बवाल हुआ था इतना बड़ा, तो ऑब्वियसली ये लोग मुझे और संजय और अपूर्वा को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब संजय इम्यून है तो डेफिनेटली टारगेट मैं हूँ, सबसे पहली टारगेट मैं ही हूँ। एक्चुअली वो संजय ने, प्रखर ने पिच किया, फिर मैं बोलने वाली थी बट वो इतना सारा क्योस हो गया, फिर मैम ने कर दिया। मैम ने, आई थिंक ये संजय और इन लोगों की वो थी। प्रतिभा जोर से हाथ खड़ा करती, पहले बोल पड़ती, फिर नहीं मौका दिया करो। और साथ ही में प्रतिभा इतना वो मत करो, तुम और अपूर्वा अगर टारगेट हो ना, अपूर्वा भी नॉन इम्यून खड़ी है। नहीं मैम वो, लेकिन क्योंकि पहले बहुत टारगेट किया गया है अपूर्वा को, अब उन लोगों ने मेरे को नाम सुनने में आया है अपना। तो कौन है ये लोग जो ये मास्टर माइंड है सब, जो उन लोगों ने ये किया, उन लोगों ने ये, तुम भी मास्टर माइंड हो, मुझे मालूम है तुम और अपूर्वा भी मास्टर माइंड हो। सबसे बड़े, हाँ हाँ आपसे बड़े नहीं है मैडम। ओके गुड। वरुण, ऑब्वियस चॉइस थी जयंत, लेकिन वो तो डेंजर में है क्योंकि अमन, श्रेया, विपिन और जयंत ये तो इम्यून हो सकते थे, अपने परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है। नाउ दे कांट गेट इम्यूनिटी, नाउ इट्स योर चॉइस, आप किसको सेव करना चाहते हो और क्यों? यू कैन सेव एनीबॉडी। मैंने कल आपके साथ परफॉर्म किया है, दो आई हैव ऑलरेडी पिच टू निखिल सर, बट मुझे इतना जरूर पता है कि यू like performing with people who perform like with, who cheat and I like who cheat, can I please speak? Ab bilkul boliye na, jaise aap beech beech mein bolti hain, Varun sir I have performed before, I will perform aage bhi, yesterday also I performed with cheating you karke. And I hope cheater you immune me, because jo kal bhi ladai hui hai, jaisa bhi chal raha hai, I am their target since day one. वरुण, yeah. क्या है आपका डिसीजन?
आरुषि I would like to give you a reason for that. आरुषि ने बोला था कि नेहा मैम की वो कभी चॉइस नहीं होगी जब इम्यूनिटी की बारी आएगी. And that's why I want to build this bond between me and Arushi. And hopefully you know who my people are, you know who I like. And I would want कि आप लोग आप उनको बचाओ, आपके फ्रेंड्स उनको बचाए आज. So that's why I want to immune Arushi. Okay, Arushi, you can go stand on the immune side. Sir, I know whom you want to save and take forward, and I will try my best to bond with them and try Thank you to so save much. Them. Thank you so much. The first time, don't not every time. This is the first time I did it because she mentioned it in the last task. Okay. Ab Team Prince ki bari hai. Team Prince ko represent kar rahe hain Akash aur Apurva. Ye bache hue roadies mein se kisi ko bhi milkar immune kar sakte hain. और अपने आप में सिर्फ किसी को कर सकते हैं. इट्स अप टू देम. यू हैव द पावर टू गिव इम्यूनिटी टू एनीबडी, बट इट कैन बी वन ऑफ यू ऑल्सो. अब सोचो प्रिंस इस टाइम पर क्या डिसीजन लेता. You know I'm not immune. Akash, I owe you. I beg you for this. I also just want to remind everyone before the pitch ki Prince अभी नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की थी अपूर्वा के लिए. ऑलरेडी अपना एक स्टार दे चुके हैं, सो ही इज डन हिज बिट फॉर अपूर्वा. आकाश मौका उनको दे जिनको नहीं मिला, जिनको मिल चुका है और को खराब कर रहे उनको मत दे. भाई कैप्टन हो यार, खुद को कर यार, क्या हो गया यार? जाओगे क्या घर को किसी और को देके? मेरा नाम बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा. सर, यस सर, मैं अपूर्वा को सेव करूंगा, उसको इम्यूनिटी दूंगा. मैं इससे पहले एक चीज बताना भूल गया, सिली मी. आज यहां से दो रोडीज वोट आउट होके जाएंगे. हाँ, यू सही. आकाश मैं कुछ बोलूं, दिमाग से खेल, यहाँ जीतने आया है. खुद लियो, खराब मत करियो. भाई मैं उस जगह में तो मैं कैप्टन होता, मैं वही करूंगा. दिल से मत सोच, वो टाइम नहीं है. दिमाग से सोच इस बार. अपूर्वा इस टाइम मेरे को सिर्फ एक ही बात करनी है कि ये बात सच है कि तेरे को पहले चांस मिला है. और यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन होती है कि मैं हो रहा हूँ और मेरा मैं डेंजर में हूँ मान ले, तो प्रिंस सर इस टाइम पे नहीं है और वो अपनी पावर यूज़ कर चुके हैं. तो प्रिंस सर यहाँ पे है ही नहीं कि हाँ भाई वो कुछ भी ऐसा हो जाए कि वो मेरे को सेव कर पाए या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए, तो वो चीज़ है ही नहीं. वो तो डेंजर में नहीं है, तेरे को पता है आकाश. बट मुझे ये भी पता है कि अभी इस टाइम पे मेरा नाम उठ गया है. अगर मैंने इस टाइम पे तेरे को सेव करा, उस टाइम पे मेरा नाम होगा ही होगा. तू वोट आउट होगा, मैं अभी के अभी चली जाऊँगी तेरी जगह पे. बट ये मैं डील थोड़ी कर सकता हूँ किसी के साथ. ये अलाउ, तेरे को पता है दैट यू आर सेफ. कम ऑन आकाश. आकाश दिमाग से सोच अभी भी. नॉट टॉकिंग टू यू राइट. अरे यार ये बंदे, शट अप. ही इज नॉट टॉकिंग टू यू राइट. ये क्या बात हुई, मैं उससे बात कर रही हूं. हम लोग का डिस्कशन है, डोंट कम इन बिटवीन.
डोंट कम इन बिटवीन. क्यों ना बोलूं मैं आकाश से बात कर रही हूं. अपूर्वा मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं. मत बात कर. क्यों ना बात करूं. तुम नहीं सिखाओगे कि किससे बात करनी है किससे नहीं. गाइस इफ देयर इज नो डिसीजन आई हैव अ वे टू. आप दोनों का डिसीजन है ये तो आपके हाथ में. आपका डिसीजन अगर आपसे डिसीजन नहीं होता तो मेरे पास एक तरीका है डिसाइड करने का. लेकिन फर्स्ट यू टेल मी कि हम डिसाइड नहीं कर पाए. डिसाइड एज इन मैं यही चाहता हूं कि मैं इम्यून हूं. अपूर्वा आप क्या चाहते हो. कौन इम्यून हो. मैं खुद हूं. आप नहीं चाहते कि आकाश हो. आकाश आप चाहते हो. अपूर्वा हो. सर मैं खुद चाहता हूं कि मैं. आप चाहते हो. आप हो. तो आप दोनों एक साथ डिसाइड नहीं कर पा रहे. राइट. तो ये आप में से कौन होगा ये डिसाइड करेंगे. प्रिंस के दोस्त और बाकी के लीडर्स. आपके हिसाब से निखिल प्रिंस किसको सेव करता. सेव वन नेम. आकाश. वरुण. आकाश. नेहा. आकाश. दैट्स द डिसीजन. आकाश कंग्रेचुलेशंस. बाकी के लीडर्स ने प्रिंस की इम्यूनिटी आपको दी है. को नहीं दे सकती. बांट नहीं सकते. ये आप ही की है. डबली. वरुण आपको पता था ये. कहीं ना कहीं आइडिया था. तो फिर क्यों आपने ये इम्यूनिटी वेस्ट की. आई नो कि इसके दोस्त बहुत है एंड गेम में ऑब्वियसली निखिल इनके लीडर बनेंगे. बट आई जस्ट वांट टू लाइक आई एक्सटेंड माय हैंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप कह सकते हो. इन टर्म्स ऑफ एक बॉन्ड कह सकते हो कि आई रियली वांट हर टू सेव द पीपल हु आई लाइक एंड दैट्स व्हाई दैट वाज माय आइडिया ऑफ इम्यूनिंग हर. ओके ओके ओके. And you think that's going to happen? I hope that will happen. Okay. Sir, Varun sir, मुझे नहीं लगता. I'm so sorry, but मुझे नहीं लगता आपको कोई idea था कि निखिल सर आरुषि को ही choose करेंगे. पता था मुझे. I don't think so. I'm telling you ना. मुझे पता था. और सर ये कहाँ से sir? I know it. I know. कि उनके दिमाग में क्या चलता है. आई नो कि किसका बॉन्ड कहां पर है. कहां से मतलब बट आई थिंक पीपल हुम आई लाइक कैसे बनते हैं. हमने क्या हम क्या कमी रह गई. हम भी कर लेते हैं वो चीज. पीपल हुम आई लाइक मैं आ जाऊं मैं भी शायद. मैंने नाम लिया किसी का कि मैं किसको पसंद करता हूं किसको नहीं करता. शायद आपका नाम हो. आई डोंट थिंक सो. अगर होता तो शायद आपने इम्यूनिटी दे दी होती मुझे. Exactly. और इट्स मतलब इट्स काइंड ऑफ डील आल्सो क्योंकि शायद आगे जाके हम नेहा मैम की गैंग पूरी गैंग आपको सपोर्ट करती सर. आल्सो वरुण आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. अगर आरुषि के साथ तुम्हें बॉन्ड बनाना था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली उसने ऑलरेडी कस्मे वादे दे दिए थे उस दिन जब आपने किया था. उससे उसको अपनी टीम में लिया था. आई विल बी लॉयल टू यू. आई विल हमेशा ये एंट्री पॉइंट का उसका लाइन होता है. यस सर आई विल बी लॉयल टू यू सर. ऐसे हो जाता है उसके साथ तो कर देते. व्हाई आर यू पुटिंग सो मेनी पीपल इन डेंजर यार. नेहा बट व्हाई नॉट. अगर ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आप समझते हो कि ये किसको बचाना चाहता है. आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ दैट इज एन अनस्पोकन अग्रीमेंट बिटवीन द टू ऑफ यू व्हाई नॉट. या मतलब हमें चांस ही नहीं दिया जाएगा. हम पता आप अपने लीडर से बात करिए चांस के लिए. सर सर प्रतिभा कैस्ट्रॉल पावर वन का एडवांटेज मिला है. वाओ. वो चार लोग हैं अमन श्रेया हामिद और माइकल. अब वो एडवांटेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वो एक नहीं दो वोट डाल सकते हैं. लेकिन वो दो वोट अलग अलग नाम होंगे. दिस इज अ बिग एडवांटेज. इट इज अ चांस टू गेट अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन. बेस्ट लक. एक एक करके जाएंगे आप. जबी
अपूर्वा। You know the drill, know the drill, you know the drill, you know the drill. Roll a plane, pop a seal, pop a pill, you know the drill. Agla vote. Taran. Agla. Nisha. Agla vote. Apurva. Aapke khilaaf. अगला तरण। भाई घर जाके हक ले। कितने हो गए? टू थ्री। तरण दी। स्कोर वन। निशा वन। तरण थ्री। टू टू। अगला वोट प्रखर। आस किसने किया है? But it's going to be your face and that card. And you should be ashamed of yourselves. You okay, Pratibha? No problem. हाँ? कोई problem नहीं है सर, उनकी सोच है, उनको जो बोलना है बोले, मेरे को क्या मतलब है? No, I just wanna, no, I want to say something over here, Ran. I'm not okay. She may be okay. I am not okay with this. क्या बोल के लिखा है आंटी? कि उसकी उम्र 2 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है, कोई भिड़ के दिखा दो उसके साथ। कोई यहाँ पे है? अगर तुम्हारे में गुर्दा है ना, जिसने आंटी लिखा है, आगे आओ, भिड़ो उसके साथ और देखते क्या होता है। Mom, I wrote it. दीदी नहीं, गॉसिप आंटी है यहाँ की। किसी ने इनका काटा नहीं, बट इन्होंने सबका काटते हुए सिर्फ आगे बढ़ती आ रही है, परफॉर्म किया ना किया। एंड दिस वन्स फॉर केविन। सो देन कम ऑन, व्हाट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आर मैम द थिंग्स दैट शी सेज एंड डज, यू नो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। वरुण सर, यू आर योर फेवरेट। प्रतिभा, यू टॉक, यू अब्यूज पीपल। वरुण सर, तू वरुण सर, यू गालियां यूज करती है, बिचिंग करती है, गॉसिप करती है। एग्जैक्टली व्हाट आंटीज डू, यू आर दैट। आई एम सेइंग इट टू योर फेस प्रतिभा। आरुषि, आरुषि, वन सेकंड, यू हैव फ्रेंड्स, ओल्डर पीपल हु कम टू योर हाउस, यू एड्रेस देम विद रिस्पेक्ट एंड से गुड इवनिंग आंटी। Are you insulting it's them? It's not the age. It oh, is not on, the age. Come on, Arushi. Come on. You are too smart for your own Ma'am, self. Ma'am, it's the characteristics, really? Not the age. And what are the characteristics? You have people coming over she to your gossips, house and you say, she oh, abuses. Oh, you know, 1 minute. She talks oh, you know, shit about people. One second. One second. झूठ बोलेगा या मेरे बारे में गलत बात बोलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। मेरे लिए आप आंटी हो क्योंकि आप वैसा काम करती हो। You are a weird Arushi. Again, you're talking auntie. Don't be a bodyguard. Don't be a bodyguard. She can talk for herself. She can talk for damn self. You don't be a bodyguard. सर एंड सब लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, ये कंटेस्टेंट्स के पास जाती हैं और ये बोलती हैं कि हाउ कैन यू चिल विद दीस काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, हम एक लाइन में खड़े हैं, क्लब्स कपल्स फॉर नो रीजन, लाइक आंटीज जो हमेशा किटी पार्टी में बैठ के गॉसिप करना, पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हो, कभी फ्रेंडशिप का हाथ नहीं बढ़ाया, फर्स्ट डे से नहीं बढ़ाया। प्रतिभा, यू शुड कम टू योर रूम एंड टॉक एंड यू डिडंट इवन रिस्पोंड। अक्षिता ने आपको हैंड ऑफ फ्रेंडशिप लिया था, अक्षिता के साथ हमने कभी नहीं बोला। आई डोंट लाइक टू स्पीक लाइक दिस, आप कैसा करते हो? आप अपने मन से आके ऑन कैमरा, आप अपने मन से आके पुणे गैंग कर दोगे और कभी भी कोई भी वोट आउट है उसमें आप कभी हमारा हमसे पूछ नहीं रहे, हमसे बात नहीं कर रहे हो, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? I don't want to get into this, Pratibha. Arushi, don't turn around and tell her you don't want to get into it. You've gotten into it. Ma'am, I don't need to justify.
Yeah, you don't need to justify. You haven't gossiped ever. You have never... Ma'am, she needs to take a stand. Talking in front of them, that she's very sweet. Talking behind her, somebody else's back. That's gossiping and that's wrong. That's what I... And you've never done that? Never. I've always stood by my friends and I've been straight to people. I want to chip in here for a second because Neha has said a lot of things to Arushi. यहाँ पे आंटी जो शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. प्रतिभा ने किस किस हिसाब से लिया है और आरुषि ने किस हिसाब से बोला है वो उन दोनों के बीच में. नेक वन मिनट गाइस वन सेकंड स्टॉप इट. प्रतिभा ने किस हिसाब से लिया? इट्स ऑन अ ब्लैक कार्ड टू गेट हर आउट ऑफ द शो. शी डजंट मीन वेल. आई डोंट लाइक गॉसिपी पीपल एज वेल. If I'm it was never the age. She doesn't I would have never anything do that. Nice never to say about age. Pratibha. Obviously, in this context, she's not respecting her and calling her that auntie who you call home. Well, wait, she's wait, not respecting yes. her and calling her any of that. She's just like, you're an auntie, get out of here. You don't stand in judgment. I'm not standing in judgment. Let her explain herself. She's taken a let dig at her age as well. Let her explain it and let her put her point of view across. Why are you and I getting into it? She is now in my team and I will stand up for her because I know what she's thinking. They've had a beef from the beginning of the show. Both of them have had a beef for it. एक मिनट. कभी कभी शो देखा है रोडीज? देखा कभी? Yes, sir. This is not your friend, Pratibha. Of course, sir. Somebody is calling your name or whatever. If you let it get to you. You know the kind of things people say to each other in the world today. If you talk about equality, sab apne aap ko express kar sakte hain. Lekin aunty bola hai, itna kya problem ho gaya? Unki marzi hai, ye roadies yahan pe jo survive karne aaya karke chalta jayega. That's why you have to be in a situation jahan aap immune ho. But the truth is, the numbers. Numbers speak for themselves. निशा कितने वोट है? वन. तारण? फोर. प्रखर? थ्री. टू. अपूर्वा? टू. टू. प्रतिभा? टू. अगला वोट. प्रतिभा. आई थिंक इट्स हाई टाइम नेहा मैम शुड गो फॉर न्यू लीडर. अगला वोट. इंटरेस्टिंग. यू आर वेरी टैलेंटेड बट यू मेस्ड अप विद द रॉन्ग पर्सन टॉक. प्रखर. अगला वोट. प्रतिभा. अगला वोट. प्रखर. Next, Pratibha. Agla vote, Prakhar. Agla vote, Pratibha ke khilaf. Aur last vote, Prakhar. Aapke khilaf. Hey bro, sabka number lagega. I can't even look at her on that side. Ma'am, I'll tell you one more thing. Like, see, the way she meant, she wrote Didi and she wrote Auntie was a different way. But Apurva here, she called me a dog. That's terrible. And so you see, be... you see what kind of people they are, and they always choose to play the moral high ground. Exactly. They try to show it. They try to show us down when they are the ones Aisa doing kabhi it. Aisa kabhi bhi nahi hua hai. Aisa it's on TV. It's on TV. Kabhi bola hai. Kabhi bola is lying. How can you lie like this? It's on TV. Everyone's seen it. It's ha chalo acha hai na. Tum logon ne bhi bola to tum logon ke bhi rang dikh gaye. Tum logon ke bhi rang dikh gaye. At least तुम लोग जितना नीचा गिरा हुआ सोचते हो ना अपने आप को पता नहीं कौन सा सुपीरियर अपने आप में कौन से हीरे चढ़े हुए तुम लोगों में पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो मतलब हाउ कैन यू चिल विद दीस काइंड ऑफ पीपल. कहां से आए हो भाई? कौन सी सोसाइटी में रहते हो यार? हम कहां से आ रहे हैं? मतलब क्या बोलना चाह रही हो? याद रख लो तुम क्या बोलना चाह रही हो. योर लास्ट वर्ड्स आर अ लाइ. आई जस्ट वांट टू टेल यू सम थिंग्स. अभी लॉकडाउन हुआ बीच में
The whole country was fighting with COVID. Both of these guys on my left. It almost feels like abhi bhi bahar shayad inki zarurat hai. Because both of them, as doctors, were working in the front line. Yeah. They're actually real heroes. They are part of the revolution. Neha, journey ki baat kar rahe hai. Jab ye bol raha tha na, Sanjay, you're an inspiration. You are, yaar. You work hard. You have a baby. You fight it out here with these guys on the side, and you beat them mostly. She's that kind of girl, yeah. Like Sanjay said, you're an inspiration. Not to, matlab, viewers to, but chalo, theek hai. Even to us, even to me, because I look up to her, and you and her are same for me. Thank you, sir. Okay. When I look at Neha, na, I feel like, yaar, last time also, they knocked you out of before getting into the finale. And I was there and you came, stood next to me, and you're like, Ran, main kya karun, yaar? And I looked at these guys, Sandeep, Prince, Nick. And I was like, I don't know what. It's not like, because you do everything right, and then these guys don't want to perform in your gang and all of that. I don't know what a woman needs to do, yeah. And you are one of the strongest ones. Now you have only one star. And I'm going to test it. Mera aaj mood kar raha hai. Kyunki ye aapki captain hai. Aur kyunki aapke paas sirf ek star hai. अगर आप जस्ट 3 स्टार होते ना लाइक निखिल एज और इवन लाइक वरुण और 2 भी होते तो मैं आपको ये चॉइस नहीं देता आई वॉन्ट टू सी बिकॉज दैट 1 स्टार दैट यू हैव इज रियली वैल्यूएबल गिव मी दैट 1 स्टार प्रतिभा विल स्टे इकलौता स्टार था वो मेरे से दूर जा रहा था दैट इज़ प्रतिभा और जो मेरा एक इकलौता स्टार था वही मेरे स्टार को बचा सकता था एंड आई वाज लाइक दिस इज गलत लोगों का साथ देने का नतीजा है तरण शायद अब आ गया हो समझ में बंदी वो सही है तुम गलत हो आज भी जान लो गाइस ही इज गोइंग होम बिट्रे किया उसके बाद भी स्टार दे रहे आई डोंट फील दैट ईडीएम वाले टास्क की बात कर रहा हूँ जब बोला था कि मेरी जब उसने खुद ही नहीं स्टैंड लेती और वो आज मुझे ये नहीं समझ आता कि वो खुद क्यों कह रही है कि कोई नेहा मैम की टीम से परफॉर्म करना पसंद नहीं करता एक दिन वो भी था जिस दिन तुम नहीं परफॉर्म करना पसंद करती थी प्रतिभा मैंने कब बोला तरण कब नहीं ईडीएम वाले टास्क की है मैं बोल के कह रहा हूँ ईडीएम वाले टास्क में क्या अनफॉर्चूनेटली वो भी टीवी पे है EDM वाले टास्क वो अगर ठीक है अगर उसको एक मिस्टेक कहेंगे तो हाँ वो मिस्टेक हुई है मुझसे लेकिन मैंने ऐसा ऐसी नहीं मिस्टेक उनमें से किसी से नहीं हुई इसलिए मैं वहां का था तरण प्रखर थैंक्स फॉर कमिंग फॉर रोडीज रेवोल्यूशन परफॉर्म करने के बावजूद भी बाहर जाने का दुख ही कुछ और होता है एंड ये दुख खास आ रहा है मुझे नेहा मैम ने मुझे इम्यून नहीं किया एंड उन्होंने फिर से अपने फेवरेट्स को इम्यून किया मुझे बस ये तसल्ली थी कि मैं अकेला आया था बिना किसी के एहसान के और बिना किसी के एहसान के ही वापस जा रहा था मैंने किसी से कोई स्टार नहीं लिया था और ना ही किसी ने मुझे इम्यूनिटी दी थी तो मुझे बस एक सिर्फ इसी बात की खुशी थी कि अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ अब मैं जर्नी में वापस आ गई थी और अब मुझे बताना था कि जिन लोगों ने मुझे टारगेट किया है और कुछ लोगों ने शायद छुप के भी मेरे खिलाफ वोट किए हैं तो अब मैं उनका पर्दाफाश करने वाली थी और सीधा सीधा मुझे पता था कि आरुषि ही है जिसने लोगों का माइंड डाइवर्ट किया है
अनफॉर्चुनेटली आज का वोट आउट हमारे लिए बहुत खराब था क्योंकि हमारे ही तरफ से दो लोग बाहर गए. गेम में हमारा नंबर बहुत खराब हो गया था. इट वॉज जस्ट अ वन साइडेड बैटल. इट सीम्ड 3-12 एंड ऑल थ्री ऑफ अस वर वेरी डिसअपॉइंटेड और हमें समझ नहीं आ रहा था अब हम आगे कैसे क्या करें.